हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लॉन्चपैड एजुकेशन। जैसा कि हम सब लोग देख रहे हैं कि कोरोना वायरस रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है और पूरी दुनिया में ये पैंडमिक बहुत लोगों की जान ले रहा है और उससे भी ज़्यादा उनको इन्फेक्ट कर रहा है। इस बीमारी की ना तो अभी तक कोई मेडिसिन बन पाई है और ना ही कोई वैक्सीनेशन। वर्ल्ड की बेस्ट हेल्थ फैसिलिटीज़ वाले देश भी इसके आगे घुटने टेक चुके हैं। अराउंड 95,000 लोग मर चुके हैं और 15 लाख इन्फेक्ट हो चुके हैं और उसमें इंडिया अकाउंट्स फॉर 6,000 केसेस एंड 170 डेथ। सो ऐसे में अगर लोगों को एक होप है तो सिर्फ यही है कि शायद बढ़ती गर्मी के चलते कोरोना वायरस का असर कम होगा और जितनी ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी ये वायरस उतना जल्दी ख़त्म होगा। तो क्या ये बात सच है दैट देर इज़ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड लाइफ ऑफ कोरोना वायरस? हम इस वीडियो में इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। रिसेंट स्टडीज़ ने एक पैटर्न आइडेंटिफाई किया है। वो पैटर्न क्या बता रहा है कि जब भी टेम्परेचर किसी प्लेस का बढ़ता है एक पर्टिकुलर ह्यूमिडिटी के साथ तो कोरोना वायरस का स्प्रेड कम हो जाता है। वो पैटर्न कहाँ आइडेंटिफाई किया गया है? इटली, वुहान, न्यूयॉर्क, स्पेन जो ज़्यादा हिट हैं कोरोना वायरस के कारण, इन देशों में ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पाई गई है। जैसे कि आप ये मैप देख सकते हैं, इस मैप में ये जो कंट्रीज हैं जिनपे ब्लैक सर्कल हुआ हुआ है ये ज़्यादा इन्फेक्टेड, और अगर आप इनकी जोग्राफिकल लोकेशन देखें तो ये 30 डिग्री नॉर्थ और 50 डिग्री नॉर्थ के बीच में पाई जा रही हैं, और मोर ओवर इन सारी प्लेसेस का टेम्परेचर भी आइडेंटिकल ही मिला है जो कि अराउंड 5 डिग्री सेल्सियस टू 16 डिग्री 15 डिग्री वेरी कर। सो रिसर्चर्स ने ये कंक्लूड किया है कि COVID-19 का या कोरोना वायरस का डायरेक्ट लिंक हो सकता है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के साथ। सो प्लेसेस लाइक इटली, न्यूयॉर्क एंड वुहान डिस्प्लेड आइडेंटिकल वेदर पैटर्न विच मे हैव बिकम अ क्वेश्चन फॉर वायरस टू इजिली सर्वाइव एंड ट्रांसमिट। जनरली वायरस के केसेस में ये देखा गया है कि वो सर्दियों में ज्यादा अपने आप को ट्रांसमिट करते हैं और आउटर एटमॉस्फेयर में सर्वाइव भी कर पाते। उसका मेन कारण ये होता है कि जो वायरस का आउटर शेल होता है या एनवेलप जिसको हम बोल सकते हैं या उसकी कवरिंग होती है वो सर्दियों में बहुत हार्ड हो जाती है बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन टेम्परेचर, जिसके कारण उसको एक प्रोटेक्शन मिल जाती है फ्रॉम द आउटर एटमॉस्फेयर। लेकिन गर्मियों में ऐसा नहीं होता है, वो जो उसका आउटर शेल होता है वो मेल्ट हो जाता है और उसको ज़्यादा वल्नरेबल कर देता है टुवर्ड्स डैमेज। सो अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वो वायरस आउटर एटमॉस्फेयर में सर्वाइव नहीं कर पाएगा ज़्यादा देर। सो प्रॉब्ली इसीलिए ये देखा गया कि जो कंट्रीज 30 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड टू 50 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड में फॉल कर रही थी और जिनकी टेम्परेचर की रेंज भी 5 डिग्री टू 16 डिग्री सेल्सियस वेरी कर रही थी, वहाँ कोरोना वायरस ने अपना ज़्यादा असर दिखा। सो स्टडी डिपिक्टेड ऑलमोस्ट आइडेंटिकल पैटर्न ऑफ सर्वाइवल एंड ट्रांसमिशन ऑफ कोरोना वायरस, दैट इज इट वॉज मच लीथल एंड कंटेजियस। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स देखें तो वुहान, नॉर्थ इटली, साउथ कोरिया, न्यूयॉर्क, ईरान, स्पेन, ये सारी कंट्रीज ज़्यादा हिट हैं कोरोना वायरस से और ये उसी लेटीट्यूड्स में फॉल कर रही हैं 30 टू 50, प्लस इनका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी रेंज भी आइडेंटिकल है। सो क्या इससे हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर ये बात सच है तो जो कंट्रीज ट्रॉपिकल रीजन में फॉल कर रही हैं जहां पर टेम्परेचर भी ज्यादा है और ह्यूमिडिटी भी ज्यादा है वहां पर क्या कोरोना वायरस का असर कम हुआ है? तो जी हाँ, रिसर्चर्स तो यही मान रहे हैं कि जो ट्रॉपिकल प्लेसेस हैं जैसे कि सिंगापुर, मलेशिया, वहां पर कोरोना वायरस ने अपना असर कम दिखाया। इसकी पॉसिबिलिटी उन्होंने वही बोली जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वायरस कुड नॉट सर्वाइव इन ट्रॉपिकल रीजंस बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर, क्योंकि वायरस को बेसिकली एक होस्ट की जरूरत होती है, इंडिपेंडेंटली ये सर्वाइव नहीं कर पाता है और ह्यूमन बॉडी के अंदर भी ये सेल को अपना होस्ट बनाता है और उसके बाद अपने आप को म्यूटेट करता है, मल्टीप्लाई करता जाता है और बॉडी के इम्यून सिस्टम को ओवर पार करके इट टेक्स योर लाइफ। सो इन द एब्सेंस ऑफ होस्ट, लेट्स सी, ए नाम के पर्सन ने स्नीज किया और उसके ड्रॉपलेट्स में वायरस था और वो एक टेबल पे आके बिखर गया। अब उस टेबल पे अगर तो सर्दी है तो वो वायरस प्रोबेबली ज्यादा देर सर्वाइव कर पाएगा, लेकिन अगर बहुत गर्मी है तो वो वायरस वहां ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा और जल्दी मर जाएगा। तो ये रिसर्च यही रिलेशन आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही है कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द लाइफ ऑफ वायरस डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। सो जैसा कि हमने पहले भी ये मैप देखा था, ये जो ब्लैक होल कंट्रीज हैं ये सारी हार्ड हिटन है। सो वी हैव चाइना, जापान, कोरिया, ईरान, स्पेन, इटली, फ्रांस। सो ये सारी कंट्रीज ये 30 डिग्री टू 50 डिग्री में ही फॉल कर रही हैं और विद आइडेंटिकल रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। सो जो हम बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो क्या ये कंक्लूसिव एविडेंस है विद रिस्पेक्ट टू कोरोना वायरस के वार्म टेम्परेचर में वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा और ठंडे एटमोसफेयर में वो ज्यादा देर सर्वाइव कर जाता? नॉट रियली।
क्योंकि जो कोरोना वायरस है इट्स अ नॉवल टाइप ऑफ वायरस। यूजुअली हमें कॉमन कोल्ड कफ अगर होते भी हैं वो भी कोरोना वायरस से ही होते। कोरोना वायरस इज अ ब्रॉड कैटेगरी ऑफ वायरस, उसमें ये जो नॉवल कोरोना वायरस है जिसको हमने COVID-19 का नाम दिया है, ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ कोरोना वायरस है विद सेपरेट जेनेटिक स्ट्रेन। इसीलिए तो इसका नाम नॉवल कोरोना वायरस रखा गया, मतलब न्यू कोरोना वायरस, क्योंकि इसके पैटर्न को अभी तक कॉन्क्लूसिवली डिकोड नहीं किया जा सका। सो वी कैनॉट कॉन्क्लूड कि इसका डायरेक्ट रिलेशन है टेम्परेचर के साथ के नहीं। अब आगे हम देखते हैं जो एक्सपर्ट बॉडीज हैं जैसे WHO या ICMR, उनका क्या कहना है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का ये मानना है कि अभी तक उन्होंने टेम्परेचर और कोरोना वायरस की कोई भी लिंकेज आइडेंटिफाई नहीं की है। WHO का भी ये मानना है कि एम्पिरिकल स्टडीज के अकॉर्डिंग वायरस जो है वो किसी भी टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में सर्वाइव कर पा रहा है, चाहे वो टेम्परेचर ज्यादा हो चाहे फिर वो कम हो। मोर ओवर हम इस स्टडी की लिमिटेशन ये भी देख सकते हैं कि ये जो डेटा पे बात कर रहे हैं वो डेटा इनको कंट्रीज ने ही प्रोवाइड करवाया है, और वो कंट्रीज पॉसिबली उतनी ज्यादा तरीके से टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं। जैसे कि हम इंडियन सिनेरियो में अगर बात करें तो इंडिया की कैपेसिटी अराउंड 10,000 पर डे टेस्ट करने की है, लेकिन वो अभी उस कैपेसिटी को यूज नहीं कर रहा। अभी रिसेंटली इंडिया ने बोला है कि जो हॉटस्पॉट एरियाज हैं उनमें वो अपनी फुल कैपेसिटी को यूज करने की कोशिश करेगा। ब्राजील के केस में भी ऐसा है, वहां पर भी प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग नहीं हो रही। एक और चीज देखने में आई है जो कि ये है कि अमेरिका, इटली, जर्मनी जैसी कंट्रीज चाइना की बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। अगर वो बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर होंगी तो उनकी उनके साथ ट्रेवलिंग ज्यादा होगी एंड हैंस कैरियर्स ज्यादा होंगे। सो पॉसिबली दिस इज ऑल्सो द रीजन कि ये जो कंट्रीज फॉल कर रही हैं 30 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड टू 50 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड वो ज्यादा इन्फेक्टेड है। मोर ओवर जो वायरस है इट इज हाईली म्यूटेटिंग वायरस एंड इवन हैव शोन सम न्यू वर्जन ऑफ इट। सो सिंस वो म्यूटेट कर रहा है तो अगर टेम्परेचर का उस पर कोई फर्क पड़ भी रहा है तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि आने वाले टाइम में वो भी इफेक्ट उस पर पड़ना बंद हो जाए। तो क्या हमारे पास प्रेसिडेंट्स हैं वायरसेस के कि क्या वायरस इन जनरल ऐसे ही बिहेव करता है कि विद डिक्रीज इन टेम्परेचर इट सर्वाइव्स एंड विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इट्स कम्स। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर हम स्पैनिश फ्लू की बात करें जिसने ऑलमोस्ट 5 करोड़ लोगों की जान ले ली थी और 50 करोड़ को इन्फेक्ट किया था 1918 के अराउंड, वो वायरस हॉट टेम्परेचर में ही सर्वाइव कर पा रहा था ज्यादा। अब अगर पोलियो की बात करें, हम पोलियो को भी समर डिजीज बोला जाता है क्योंकि वो वायरस भी समर में ज्यादा इन्फेक्ट कर। सो जो पैंडेमिक्स होते हैं जैसे कि कोरोना वायरस इज अ पैंडेमिक, यूजुअली दे डू नॉट फॉलो द सेम पैटर्न ऑफ द सीज़न, मतलब ठंड में भी फैल सकते हैं गर्मी में भी एंड वाइस वर्सा। तो रिसर्चेस जरूर ये हिंट कर रही हैं कि शायद कोरोना वायरस टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ अपना असर कम दिखाए, लेकिन ये भी कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं दे पा रहे हैं। तो मतलब ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। तो अभी के लिए हमें सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि कोरोना वायरस कैसा बिहेव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, एंड जब तक हमारे पास उसके रिगार्डिंग कोई वैक्सीनेशन या मेडिसिन नहीं आ जाती है तब तक हमें क्या करने की जरूरत है। सो ऑल वी कैन डू इज प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम आउटर एटमॉस्फेयर द कैरियर्स ऑफ द वायरस एंड टू स्टॉप मेकिंग आवरसेल्फ वल्नरेबल टू द डिजीज। वो कैसे हो सकता है? ओनली इफ वी कन्फाइन आवरसेल्फ टू अ पर्टिकुलर प्लेस और आइसोलेट आवरसेल्फ, प्लस हम सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म को अडॉप्ट करें। WHO ने भी यही बोला है कि टेस्टिंग एंड सोशल डिस्टेंसिंग इज द ओनली की टू कंटेन वायरस अंटिल एंड अनलेस मेडिकल साइंसेस कम्स अप विद वैक्सीन एंड एंटीवायरल। सो जैसे कि हम जानते हैं कि इस वायरस की कोई मेडिसिन तो है नहीं, तो अगर ये किसी को इन्फेक्ट करता है सो देयर इज ओनली सिम्पटम मैनेजमेंट। सो इट इज ऑलवेज बेटर टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ वाया सोशल डिस्टेंसिंग एंड आइसोलेशन। और इसको कंटेन करने के लिए जो और पॉलिसी अडॉप्ट की जा सकती है विच इज TQTI, यू फर्स्टली ट्रेस द सस्पेक्ट एंड इफ दे आर असिम्टोमेटिक देन यू क्वारंटाइन दैम, बट अगर वो सिम्टम्स शो करते हैं आपको यू आइसोलेट दैम एंड देन ट्रीट दैम TQTI। एंड मोर ओवर इट्स अ लॉन्ग बैटल, हमें नहीं मालूम है कि हम इस कोरोना वायरस से जंग में कब जीत पाएंगे। सो जैसे कि आइंस्टाइन ने कहा है कि विद एवरी क्राइसिस कम्स द ग्रेट अपॉर्चुनिटी, ये भी आप लोगों के लिए एक तरह की अपॉर्चुनिटी है। वो कैसी अपॉर्चुनिटी है? दैट वी नीड टू वर्क मोर एंड मोर हार्डर विद रिस्पेक्ट टू इम्प्रूविंग आवर लाइफ्स। हमें क्या करना है? इस आइसोलेशन को सॉलिट्यूड में कन्वर्ट करना है। वो कैसे सॉलिट्यूड में कन्वर्ट करा जाएगा? अगर हम अच्छे कंटेंट को पढ़ेंगे, अच्छी बुक्स पढ़ेंगे, अपने टाइम को अच्छे से शेड्यूल करके यूटिलाइज करेंगे, फोकस रहेंगे अपने करियर के लिए, अपनी फैमिली को भी टाइम देंगे। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। If you like the video, make sure you give it a thumbs up and subscribe to our YouTube channel. You were watching Launchpad Education. Thank you very much.